सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पे क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पर्दे की वीडियो। इसके लिए जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आई हुई है कि हम जो पर्दा बनाते हैं हमसे लोग ठीक से नहीं बनता है, आप इसको भी बताएं वीडियो में कि हम घर पे पर्दा किस तरीके से बनाएं। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पर्दे के लोग किस तरीके से बनाने हैं और पर्दा आपको कितना फोल्ड करना है और किस तरीके से उस पर सिलाई लगानी है। जो हम रेडीमेड पर्दे लाते हैं वह हमारे महंगे भी पड़ते हैं, तो इसलिए आप घर पे भी बहुत ही आसानी से पर्दा बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी आपको लंबा पर्दा बनाना है उतना आपको कपड़ा लेना है। जैसे कि आप दरवाजे के पर्दे बनाते हैं तो 2.5 मीटर कपड़ा लेना होगा, और आप दूसरी जगह कहीं भी पर्दा लगाना चाहते हैं तो उसके आपको लंबाई और चौड़ाई नाप लेनी होगी। देखिए, लंबाई में आप इस कपड़े को कम ज्यादा कर सकते हैं, चौड़ाई में तो ये कपड़ा फिक्स आता है। जो भी इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई आती है 4 फीट। जो पर्दे का कपड़ा होता है उसकी चौड़ाई 4 फीट आती है। तो आपको जैसे दो अलमारी में पर्दा लगाना है तो आप डबल कपड़ा ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको कपड़े में टेढ़ नहीं रखनी है, आपको बिल्कुल कपड़ा सीधा कट कर लेना है। उसमें टेढ़ है तो उसको निकाल देना है इस तरीके, जैसे कि मैंने ये कट किया हुआ है, बिल्कुल सेंटर में कट कर लेना है। उसके बाद देखिए, ये रेडीमेड पट्टी ली हुई है मैंने, और ये रेडीमेड पट्टी भी आती है और इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। जो चिपकने वाली बुकरम होती है उससे आप इसको घर पे भी आसानी से बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं रेडीमेड से बना के बताऊंगी, और अगली बार आप चाहें तो मुझे कमेंट करें तो मैं आपको घर पे भी ये पट्टी बना के और इसका जो लॉक आता है मार्केट से वो मैं लॉक आपको घर पे भी बना के बता सकती हूँ। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पट्टी लेनी है और इसके ऊपर हम पर्दे को फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ से आपको थोड़ा सा फोल्ड करना है और ऐसे रख लेना है, और यहाँ पे हम इस पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान से सिलाई लगानी है, जो नीचे की पट्टी है और कपड़ा है दोनों सिलाई में दबना चाहिए। कई बार हम सिलाई लगाते हैं तो ये कपड़े पे सिलाई लग जाती है और पट्टी रह जाती है, आपको इसलिए ध्यान से सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम धीरे धीरे करके सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इस पे दूसरी सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इस साइड से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आप उसी साइड से दूसरी सिलाई लगाना शुरू करें तो, इसलिए हम यहाँ से ही सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको ये दूसरी सिलाई सीधी साइड से ही लगानी है, और यहाँ पे देखिए कड़क पट्टी है तो आपको पकड़ने से मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे हमारी ये पट्टी आ रही है। तो पट्टी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है, कम से कम आधा इंच पट्टी सिलाई में दाबनी है। इस तरीके से आधा इंच पट्टी छोड़ के सिलाई लगानी है, क्योंकि ये कड़क पट्टी है तो यहाँ पे हम बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे तो कपड़े को ख़राब कर देगी। यहाँ से हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी कट कर देंगे। इसके बाद हम नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे, नीचे से फोल्ड कर लेते हैं पर्दे को। ये नीचे की साइड है और इसे हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको नीचे की साइड से भी चौड़ाई फोल्ड करना है इस तरीके से। पर्दा हमेशा चौड़ा फोल्ड होता है, यहाँ से कम 2.5 से 3 इंच की चौड़ाई फोल्ड करनी है। यहाँ पे मैंने ये 3 इंच की चौड़ाई फोल्ड की है, ये देखिए, आपको भी इसी तरीके से फोल्ड करना है।
और इस पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए नीचे की सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। हम दोनों साइड से जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं इनको कट कर देंगे और ये पर्दा हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कोई टेढ़ वेढ़ नहीं आई, बहुत ही शानदार पर्दा बना है। इसके बाद हम इसका लोक बनाएंगे और इस पे हम थोड़ी सी प्रेस कर लेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे इसमें लोक लगाएंगे। यहाँ पे सभी निशानों में हम लोक लगा लेंगे। ये हमने लोक लिए हुए हैं, रेडीमेड लोक आते हैं मार्केट से और इनके साथ ये रिंग आती है और ये 2-3 रुपए में मिल जाता है आराम से। और यहाँ पे देखिए आपको किस तरीके से कट करना है। यहाँ पे जो ये पट्टी वाला जो निशान है इससे थोड़ा कम कट करना है कपड़ा है जो, यानी कि जो हमारा लोक है इसमें बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। हम इसको ज़्यादा कट कर देंगे तो ये लोक है लूज रहेगा तो ये कपड़ा इसमें से निकल जाता है, इसलिए आपको कम से कम 1-2 सूत ये रखना है कपड़ा इस तरीके से। देखिए ये पट्टी वाले निशान से मैंने कपड़ा कम कट किया है, इसी तरीके से हमको कट करने हैं। ये हम इसे भी कट कर लेंगे यहाँ से। आपको एकदम ज़्यादा भी नहीं रखना है कपड़ा और कम भी नहीं रखना है, एकदम ये भी नहीं कि लोक ही नहीं आए अंदर इसमें, आपको थोड़ा थोड़ा सा रखना है। अब इसमें हम लोक डालेंगे। यहाँ पे देखिए सीधी साइड से आपको लोक डालना है इसमें और ये देखिए थोड़ी सी तकलीफ होगी, यानी कि बहुत टाइट रखना है इसको। ये आराम से डालना है आपको इस तरीके से, ये देखिए। इसके बाद हम इसमें रिंग लगा देंगे ऊपर की साइड से। ये कंप्लीट कर लिया है, इसी तरीके से हम इसमें भी लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ी सी किनवर आती है, ये रिंग एक बार इसमें लगने के बाद वापस नहीं निकलती है, बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। इसी तरीके से हम ये पूरा बना लेंगे। देखिए सभी लोक लगा के मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पर्दा हमने कंप्लीट कर लिया है। आप भी इसी तरीके से बहुत ही सुंदर पर्दा घर पे बना सकते हैं, बहुत ही इजी है इनके जो लोक हैं, इजी तरीके से आप इनको बना सकते हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो वह कपड़ा हम कट करते हैं तो आपको वह पट्टी के लोक से कम कपड़ा कट करना है। और ये पूरा पर्दा आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने ये 2 पर्दे और बना लिए हैं, ये देखिए बहुत ही शानदार पर्दे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये देखिए। और इसको भी आप देख सकते हैं। आपको ये पसंद आई हो मेरी वीडियो तो मेरी इस वीडियो पर लाइक कर कमेंट करें और प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।